से पहले सक्रिय थे, क्रियाशील थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं और 5 नए एयरपोर्ट और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन होने जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर ऐसे अन्य नए एयरपोर्ट भी आज उद्घाटन होने जा रहे हैं। कई वर्षों से मांग थी, कई दशकों से मांग थी आजमगढ़ का अपना एक विश्वविद्यालय भी हो, और आज से हजार वर्ष पहले अपने सार और पराक्रम से विदेशी हुकूमतों की और विदेशी आक्रांताओं की चूलों को हिलाने वाले महाराजा सुहेलदेव के नाम पर बने विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आजमगढ़, इससे पहले डबल इंजन की सरकार ने आजमगढ़ में आजमगढ़ की कला को एक नई पहचान देने के लिए हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, तो साथ ही साथ आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय उत्पाद जिन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहचान दी है, ब्लैक पॉटरी या फिर मुबारकपुर की रेशमी साड़ी, इन सभी को भी पिछले 7 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक नई पहचान प्राप्त हो रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए भी जो सुविधा प्राप्त हुई है अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से, आजमगढ़ में वह भी बनकर के तैयार हुआ है। यानी जो आजमगढ़ पहले जहां के नाम से लोग भयभीत होते थे, आज वह आजमगढ़ अपनी कला के लिए, अपनी शिक्षा और साहित्यकारों के लिए, अपनी विकास की एक नई पहचान के लिए पूरे देश और दुनिया के अंदर पहचान बना रहा है। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण, जिसने आजमगढ़ को फिर से उसकी पुरातन पहचान को दिलाया है। और यही कार्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और यही पूरे देश के अंदर भी आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है, एक नए भारत का दर्शन देश कर रहा है। आज प्रदेश के अंदर तमाम रेल की नई परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की भी एक नई सौगात प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। होली के पहले हजारों करोड़ रुपए की का उपहार उत्तर प्रदेशवासियों के लिए, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आपका प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज आजमगढ़ में हुआ है। आजमगढ़ काशी और गोरखपुर के बीच एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। आजमगढ़ को विकास की नींव महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक नई पहचान मिल सके जो पिछले नमस्कार।